हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड यू आर वॉचिंग के कॉमर्स अकेडमी विद मी कुणाल सिंगल. सॉरी. सो इन द चैप्टर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम क्लास 12, दिस इज आर 8th एंड द लास्ट लेक्चर वीडियो. इन दिस वी विल बी सॉल्विंग वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स. बिफोर स्टार्टिंग दैट, कल जो मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, जो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने उसकी आपको बैलेंस शीट डिमांड की थी कि आप बैलेंस शीट खुद बनाएं और मुझे मेल करें. सो अप्रॉक्सीमेटली 12 स्टूडेंट्स ने मुझे बैलेंस शीट मेल की, जिसमें से कुछ 3-4 की गलत भी थी. सो दिस इज़ द बैलेंस शीट. आपने जो भी सॉल्यूशन किया था आप उसको चेक कर सकते हैं. दिस इज़ द एक्चुअल बैलेंस शीट दैट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड फॉर यस्टरडेज सॉल्यूशन. लेट अस मूव फर्दर फॉर टुडे. एज यू ऑल नो that retirement of partner is an important chapter and numerical question will be solving, and this is the last question from the chapter. This is the last video from the topic of retirement of partner we are solving, so just give a complete concentration. A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2019 as follows. After that, adjustments में क्या दिया है additional information में. B retires on 1st April 2019 on the following terms. तो A, B and C हैं जिसमें से B का retirement हुआ है. जिसका retirement हुआ है उसका profit sharing ratio कितना नज़र आ रहा है, 2:6. आगे बढ़ते हैं. Provision for doubtful debt to be raised, यानी कि revaluation account. Stock to be reduced, furniture to be reduced. रिवैल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड आइटम है. देयर इज़ एन आउटस्टैंडिंग क्लेम, रिवैल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड आइटम है. क्रेडिटर्स फॉर रिटर्न बैक, रिवैल्यूशन अकाउंट से ट्रीट होगा. गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹22,000. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट्स. इट इज़ द अमाउंट ऑफ गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. सो एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड फॉर दिस अमाउंट, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एबिलिटी टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय हम ये अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके क्रेडिट में लिखेंगे और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके डेबिट में लिखेंगे. आगे देखिए पॉइंट नंबर एफ. बी इज पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रपोर्शन टू द देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज एंड कैश इन हैंड रिमेन्स ₹10,000. ये जो पॉइंट नंबर एफ है, जो एडजस्टमेंट्स हमने आपको पढ़ाए उसमें से दो एडजस्टमेंट्स का कंबाइंड ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. एडजस्टमेंट है क्या? एक तो पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर. मैंने आपको बताया था या तो आप पेमेंट कर सकते हैं कैश में या फिर आप उसके लोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया, दैट इज़ बी इज़ टू बी पेड इन फुल. तो पेमेंट करना है. दूसरी बात, कैश कहाँ से आएगा जो पेमेंट करना है. सो दैट इज़ टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी. द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल ब्रॉट दैट कैश दैट हैज़ टू बी पेड टू बी. एंड फर्दर इट हैज़ बीन गिवन दैट इज़ द कैपिटल बैलेंसेज ऑफ ए एंड सी शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स भी डिमांड किया गया है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी, दैट इज़ आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन. दिस क्वेश्चन केम इन 2003, हाउएवर बहुत पुराना है बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे. आप सभी जानते हैं दैट इज़ इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस इस तरह का क्वेश्चन आपको 8 marks का मिलेगा. सो हाइएस्ट वेटेज यही होता है, बी कॉन्सेंट्रेटेड. वेन एवर वी गेट अ क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, द एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड विल बी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. दो तरह की गुडविल होती हैं, दोनों मैंने सिखाया है. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स. इफ आज तो इस क्वेश्चन में तो डिमांड किया है. ये सारे टॉपिक्स, ये सारे एडजस्टमेंट्स एक एक करके हमने अलग अलग वीडियोज़ में सीखे हैं, समझे हैं डिटेल में. अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं. इन सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप दोबारा से उनको देख सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सॉल्यूशन. द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी इज 3:2:1. रिगार्डिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, नथिंग हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन. सो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी वी विल अज्यूम दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए एंड सी विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 3:1. एंड सो द गेनिंग रेशियो अमंग ए एंड सी विल ऑल्सो कम एज इट इज, दैट इज 3:1. लेट अस मूव फर्दर. रिवैल्यूएशन अकाउंट. In the question, one information is given regarding the provision for doubtful debt, that the provision for doubtful debt, that is, it has to be increased by ₹1,000.
आई होप आप लोगों ने वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिकॉज जब मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तो क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड करें, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें या फिर कॉपी में नोट डाउन करें, और फिर जब मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ तो क्वेश्चन आपके सामने होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹1000, इट इज़ गिवन इन द एडिशनल फॉर्मेशन। प्रोविजन क्रिएट कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया 1000 से डेबिट साइड से। स्टॉक इज़ टू बी रिड्यूस्ड एंड फर्नीचर इज़ टू बी रिड्यूस्ड, और जब भी किसी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन करना होता है तो ऑब्वियसली हम इसको डेबिट साइड पे ही मेंशन करते हैं, तो स्टॉक और फर्नीचर भी हमारा डेबिट साइड में आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन में गिवन था देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है, लायबिलिटी क्रिएट करनी है, वो भी डेबिट साइड से ही क्रिएट होगी। फर्दर क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिटर्स वर टू बी रिटर्न बैक, लायबिलिटी कम करनी है, लायबिलिटी कम करने का मतलब प्रॉफिट यानी कि क्रेडिट साइड पे शो होगा। सारे के सारे आइटम रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड आपने शो कर दिए। फाइनली हमारे पास में जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया ₹600 का, दैट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो प्रॉफिट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा है 600, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये आपको आई होप अब तक समझ में आ चुका होगा, ध्यान हो चुका होगा। लेट अस मूव फर्दर विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द फर्स्ट आइटम दैट यू हैव टू डन इज आपको ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं, जो बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं वो लिख दिए हमने। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹40,000, ₹40,000 एंड ₹30,000। सेकंड एडजस्टमेंट होता है रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में भी गुडविल दे रखी है ना, क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखो आप, बैलेंस शीट में भी आपको गुडविल दे रखी है ₹10,000 की, दैट हैज़ टू बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज़ 3:2:1, टू गुडविल अकाउंट 5,000, 3,333 एंड 1,667 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, ये हमेशा क्रॉस में जाती है चीज़, जो चीज़ें एसेट साइड की होती हैं वो डेबिट में आ जाती हैं, जो चीज़ लाइबिलिटी साइड की होती हैं वो क्रेडिट में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो एडिशनल फॉर्मेशन में गुडविल दे रखी थी हमें, कितनी गुडविल दे रखी थी, ₹22,000 की। उसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर यानी कि बी का शेयर कितना है, और बी का शेयर निकालने के बाद में हम ए और सी से लेके बी को दे देंगे, यानी बी के तो हम क्रेडिट में एंट्री करेंगे और ए और सी के हम डेबिट में एंट्री करेंगे। मैंने आपको बताया जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको देना है, वेन एवर एनीथिंग इज टू बी गिवन टू अ पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो बी के क्रेडिट में हमने गुडविल का अमाउंट लिखा है और ए और सी के डेबिट में हमने गुडविल का अमाउंट लिखा है। कैसे कैलकुलेट किया है, ये आपने 22,000 × 2/6, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर बी है और बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 2/6। सो जो गुडविल आपको गिवन थी क्वेश्चन में, आपको गुडविल कितनी गिवन है, ₹22,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ बी रिटायरिंग पार्टनर 2/6 से, तो आपके पास में आ जाएगा अमाउंट दैट हैज़ टू बी पेड टू बी एज रुपीज़, इट विल बी, है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा ₹7,333, और ये 7,333 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ए एंड सी, किस रेशियो में, ए और सी से हम ले लेंगे उनके गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया था 3:1। ठीक है, तो 22,000 तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म है, पूरा का पूरा 22,000 आप मत दे देना बी को, बी को कितना देंगे, 22,000 मल्टीप्लाई हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सो दैट इज़ ₹7,333 एंड विच विल बी टेकन फ्रॉम ए एंड सी इन देयर गेनिंग रेशियो। लेट अस मूव फर्दर। थर्ड क्या था आपका, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 300, 200 एंड 100 जो हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो दे दिया क्रेडिट साइड में। उसके बाद में जनरल रिजर्व्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जितने भी एडजस्टमेंट थे सारे हो गए। फाइनली बचा क्या है, अब बचा है दो, एक तो पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर और दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो सबसे आप पहले आप देखिए कि पेमेंट कर देते हैं हम बी को, टू बैंक अकाउंट ₹48,200 का हमने बी को पेमेंट कर दिया, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये। ठीक है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा था वो हमने फाइनली इसको पेमेंट कर दिया। उसके बाद में हमने बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर ली कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के, किसके, ए और सी के। अब बात आती है कि इन्होंने कहा है आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए, उन्होंने कहा है कि द क्वेश्चन की लाइन को एक बार दोबारा से पढ़िए, बी इज टू बी पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल इज टू बी इन प्रपोर्शन ऑफ। तो अब आपको इस क्वेश्चन में मेनली कंसिडर कौन से करने, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के लिए आपको एक तो ए का बैलेंस कैरिड डाउन प्लस सी का बैलेंस कैरिड डाउन प्लस जो आपने पेमेंट किया है बी को, ये तीनों बैलेंसेस को आपको क्या कर लेना है, आपस में ऐड कर लेना है, क्योंकि ए और सी का जो बैलेंस है वो तो एडजस्ट हो गई होगा, साथ में जो बी को पेमेंट किया वो भी तो ये कैश लेके आएंगे,
तो ये जो बी का कैपिटल था वो भी आपको उसमें ऐड कर लेना है। मैं अभी वर्किंग नोट बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, बट आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जब भी इस तरह की लैंग्वेज लिखता है, दैट इज़ कैश टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर इज़ टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, जो बैलेंस कैरी डाउन है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के, उसमें आपको जो रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट अमाउंट है वो भी ऐड कर देना होता है। ठीक है, अब एक बार आगे बढ़ते हैं। तो जो बैलेंस कैरी डाउन आपने ए और सी के यहाँ कैलकुलेट किए वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएंगे आगे। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आगे, सॉरी यहाँ बैलेंस कैरी डाउन लिख गया गलती से, सो आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे एक्चुअली, है ना, बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएंगे, जो ऊपर थे वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो गए 35,800 एंड 28,600। और इसके बाद में इनके एडजस्टेड कैपिटल्स आएंगे आपके पास में, जो कि टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा 78,450 एंड 26,150 वर्किंग नोट बना के। अब आप कहेंगे कि 78,450 और 26,150 कहाँ से आया, वो मैं आपको वर्किंग नोट बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट उससे पहले एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो क्या, जब आप इसके बाद में नई बैलेंस शीट बनाओगे, इन द न्यू बैलेंस शीट द कैपिटल बैलेंसेज विल बी दीज ओनली, जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें कैपिटल बैलेंसेज ऑफ ए और सी कितने लिखे जाएंगे, ये वाले नहीं लिखे जाएंगे। जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे कौन से कैपिटल बैलेंसेज लिखे जाएंगे, ये जो हमने लास्ट में कैलकुलेट किए हैं ये वाले बैलेंसेज बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि 78,450 और 26,150 आया कैसे एक वर्किंग नोट बना के। मैंने आपको एक चीज़ बताई अभी थोड़ी देर पहले, आपको कंसिडर करने कौन से थ्री बैलेंसेज, ये थ्री बैलेंसेज जो बैलेंस कैरी डाउन निकाले थे वो, प्लस जो पेमेंट किया वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक वर्किंग नोट से। कैपिटल ऑफ ए 35,800, कैपिटल ऑफ सी 28,600, जो हमने बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट किए थे ना विदाउट एडजस्टमेंट वो वाले। पेमेंट टू बी 48,200, मैंने आपको एन सर्किल करके बताया, ये वाले तीन, ये जो चीज़ें हैं, सॉरी ये जो तीन हैं इनको मैंने ऐड कर लिया आपस में। ठीक है, ए का 35,800, सी का 28,600 और पेमेंट बी को 48,200, ये मैंने आपस में ऐड कर लिया है। देखिए, ए कैपिटल ऑफ ए 35,800, कैपिटल ऑफ सी 28,600, पेमेंट टू बी 48,200, तो टोटल हो गया 1,12,600। इसमें से आप लेस कर देंगे एडिशनल कैश अवेलेबल ₹800। अब आप कहेंगे सर ये एडिशनल कैश कहाँ से आया, तो देखिए बैलेंस शीट में कितना कैश गिवन है, बैलेंस शीट में हमें कैश गिवन है एसेट्स में 18,000 का। और क्वेश्चन क्या कहा है हमें, कैश बैलेंसेस कितना चाहिए, लास्ट पॉइंट नंबर एफ को पढ़िए, कैश इन हैंड रिमेन एट ₹10,000, 18,000 अवेलेबल है जबकि रिक्वायरमेंट है सिर्फ 10,000 की, तो ये जो एडिशनल 8,000 रुपीज़ है ये इसमें से लेस हो जाएगा। फाइनली आपका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाएगा 1,04,600 एंड दिस 1,04,600 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड सी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:1। सो 1,04,600 मल्टीप्लाई 3/4 करते हैं तो 78,450 आता है, और 1,04,600 मल्टीप्लाई 1/4 करते हैं तो 26,150 आता है, एंड दीज आर द एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ए एंड सी। आई होप आप लोगों को ये वर्किंग नोट समझ में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही वर्किंग नोट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पिछले 2 या 2.5 मिनट का रिवाइंड करके और दोबारा से आप इस एडजस्टमेंट को समझ लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो एडजस्टेड कैपिटल्स मैंने कैलकुलेट किए वो यहाँ पे लिख दिए, और वो लिखने के बाद में जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है, चाहे वो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में, उसको हम लिख देंगे टू बैंक और बाय बैंक। इसका मतलब टू बैंक का मतलब क्या है, एडिशनल कैश था पेमेंट कर दिया, बाय बैंक का मतलब क्या है, जो पार्टनर था कैश कम था तो वो और लेके आ गया। ये था फाइनल कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विद द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर माइंड में समझ में आया होगा। जब भी क्वेश्चन में ये कहा जाए दैट इज द पेमेंट मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो आपको करना क्या है, जो आपने पेमेंट किया वो और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल्स हैं वो आपस में ऐड कर दीजिए और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स हो जाता है। ठीक है, तो कल की तरह ही मैं चाहूँगा कि अब इसकी बैलेंस शीट आप लोग बनाएं और मुझे मेल करें। कल भी 12 स्टूडेंट्स ने मुझे इसका बैलेंस शीट बना के मेल किया था, उसमें से कुछ 2-3 का गलत था, बाकियों का सही था। सो इट्स अ गुड थिंग दैट यू पीपल आर टेकिंग द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दीज वीडियोस इन द वेकेशन टाइम, ऑब्वियसली आई कैन से दैट वेकेशन टाइम, बट आप लोग सिंसियर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप इसकी बैलेंस शीट बना के मुझे मेल कीजिए, जो भी करेक्शन होगा वो मैं आपको वापस रिवर्ट कर दूंगा। अगर आपका कोई भी नॉन पर्सन जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए हमारा अदर यूट्यूब चैनल परीक्षा मास्टर, और क्लास 12th अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स के लिए आप सब्सक्राइब करें के कॉमर्स अकेडमी को। एक मिनट रुकिए,
लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। थैंक यू।